नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, दूसरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर अभी तक हमने आप लोगों को तेल भेली की रस्म दिखाई हुई है। अब ये हम लोग मटकन्ना पर आ गए हैं और आगे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर मतलब बहुत सारी बहनें आती हैं घर से, गांव की सब लोग। यहाँ की रस्म कुछ अलग है, कुछ भी है, थोड़ा सा हटके है मेरे यहाँ से। क्योंकि मेरे यहाँ जो है सागर, जब तालाब पे जाते हैं लोग तो वहाँ पर एक बुआ जो है कुदार लेकर के जाती हैं और वही कुदार से मिट्टी खोदती हैं। तो मिट्टी का जो सात ढेलकी होता है वही लेके आती हैं। यहाँ का सीन जो है मुझे बहुत प्यारा लगा। एक तालाब है, बहुत सारे लोग गाय चरा रहे थे, धूप की वजह से मैं बैठ गई, नहीं तो बगीचे का पूरा सीन दिखाती। बहुत ही बड़ा बाग है, तालाब है यहाँ पर और कुछ लोग बैठ करके जो है, तो मैं तो जाके पेड़ के नीचे बैठ गई हूँ। बस थोड़ी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ की। आगे आप लोग गीत सुनिए, बढ़िया से एंजॉय कीजिए। नटका वगैरह जो भी वापसी में गाया जाता है, तो जो इनके यहाँ दौरी में साड़ी रखी गई ये मेरे यहाँ नहीं रखी जाती है। मेरे यहाँ बुआ आती है मटकन्ना पर, माटी खोदती हैं और बहुत सारी जो है गाली गीत सुनाया जाता है। तो यहाँ पर भी शायद गाली वाली तो सुनाई जाती है बुआ जी को, लेकिन माटी नहीं खोदी जाती है, बस टीक दिया जाता है। यहाँ पर माटी ये लोग तब खोदते हैं जब मौरी पूजन करवाने आते हैं जो है। तो यहाँ की जो भी रस्में हैं वो सब हो रही हैं। मझली दीदी यानी छोटी दीदी शिल्पा की मम्मी जो है वो मायन मंत्री की पूजा कर रही हैं। बड़ी दीदी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, वो हर सामान के लिए, हर काम के लिए दौड़ती रहती हैं। तो ये नाऊ ठकुराइन है, जो भी मतलब रहता है सब कुछ यही बताती हैं, क्योंकि घर के सदस्य को हर बात नहीं पता होती। आगे आप लोग इन्जॉय करिए वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, घर देवरा ना देवरानिया। मैडम जी तक बराबर ये रहा। मैं अल बेली अकेली महल में, मैं अल बेली अकेली महल में, खूब लड़ी मरदानिया सियाली, मरदानिया हो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी अपना मर थी पिया हो झांसी वाली रानी, बलड़ी मरदानी हो झांसी वाली रानी। अपना
पुनाना जे मई रानियान के से लो ना को बर लो को मानी दारी अरे माई के छोटे चाऊर हो रई चारी चोट मन चाऊर पंडित महाराज आप सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कलश रखा हुआ है और पंडित जी मंडप में आ गए हैं। अब शुरू होगा यहाँ पर कथा मंत्री का पूजा। यहाँ पर बुआ लोग गोट रहे हैं कलशा, तो दोनों ननद को मैं चिढ़ा रही हूँ कि आप लोग चुपचाप बगैर गाए गीत गाए जो है कलशा गोट रही हैं। और यहाँ पर गीत भी हो रहा है, लेकिन गीत जो है आपको मुन्नी दुबे या मंजू तिवारी ब्लॉग मंजू यूपी ब्लॉग में मिलेगा सुनने के लिए। और आगे के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कथा मंत्री की पूजा, हल्दी रसम, तो सब कुछ। प्लीज़ मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहा करिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विलेज लाइफ है, शादी विवाह जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है वो सब कुछ हम आप लोग को दिखाते हैं। पूजा पाठ विवाह शादी जो कुछ हमारे यहाँ की रस्में हैं परम्पराएँ हैं, तो यहाँ पर आया हुआ सुग्गा वही उसी को दीदी परछन कर रही हैं। पंडित जी बैठ के बता रहे हैं कि अभी ये सब कार्यक्रम सम्पन्न हो जाना चाहिए था और इतनी दौड़ भाग की इसी शिल्पा का पेपर है जो है, तो हल्दी रसम कैसे होगी क्या कुछ होगा अगले ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो लोग आए हैं रिलेशन के वो लोग आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।